अगर मैं पानी में डूब गया, बोट पलटा दी बिल्कुल, बोट के अंदर ही दबे थे। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज अबाउट निर्भय भनोट। तो गाइस, जो जिसको नहीं मालूम, जो अभी पहली बार चैनल पे आ रहा है, तो मैं बता दूं, मेरा नाम निर्भय भनोट है एंड द चैनल से पता चल गया, समझ लो ना। तो यस, एंड आई एम स्टेइंग एट गोवा, मैं अभी गोवा आया हूँ। क्या बोल रहा हूँ। सो या, मैं अभी गोवा में हूँ एंड आई एम स्टेइंग एट पार्क रेगिस होटल इन नीट्स नियर बागा। बहुत नींद में हूँ मैं, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ। एंड ये देखो, मेरे भाई बहन सो रहे हैं अभी भी, इनको नहीं उठना, इनको डांट पड़ेगी तभी उठेंगे ये। तो बस ऑफ कैमरा इनको डांट पड़ने वाली है। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो बस चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देन आगे का डे प्लान करते हैं। लेट्स गो। तेरे चक्कर में मेरे को डांट पड़ती है हमेशा, जल्दी कर ले यार। किसी को नहीं पता तो ये मेरी बहन है, इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिछले ब्लॉग्स में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में दिख जाती है। और इसका ये शी इज़ फेमस कि कभी कभी मेरा मजाक उड़ाती है, बट मैं इसको हल्का में ले लेता हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कूल भाई हूँ। इससे कूल भाई, मेरे जैसे कूल भाई इसको कहीं नहीं मिलेगा। पहले ही बता रहा हूँ, इसको कहीं नहीं मिलेगा मेरे जैसे कूल भाई। अभी भी ये तो बता देते, कूल तो हूँ मैं, मानती है ना तू? बट कभी कभी। अरे चुप यार, चुप, फिर शुरू हो गई यार ये, मैं नहीं। चल चल यार, जल्दी चलो अब। और तू भी स्मार्टी, ओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो यार, चलो लेट्स गो गाइस। गाइस, अब गोवा आए हैं, कुछ चीट मील तो चलता ही है। हम पंजाबियों को तो बहाना चाहिए होता है खाने पीने का, और आज आया है छोले भटूरे मेन्यू में। तो बस फिर मौका थोड़ी छोड़ेंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे, चढ़ाएंगे ब्लॉग में ये। चलो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम आ गए थे, अब हमको चलना है, हम जा रहे हैं, देखते जाओ, अभी पता चल जाएगा आपको। एंड सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, अगर पता होता मैं बता देता। अभी डिसाइड हो गया यार बड़ों में, हमको पता नहीं था, हम आ गए थे ऊपर। एंड हाउ इज माय आउटफिट, आई होप इट्स गुड। एंड ये देखो जरा, मेरे बहन का सामान कैसे फैला हुआ है। और बस यही होता है यार, लड़कियों का यही होता है, इसमें से एक दो चीज़ें बस मेरी होंगी, बाकी संजना ने सारी फैलाई हुई हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो लेट्स गो। चलो गाइज, इट्स टाइम फॉर सम वाटर स्पोर्ट्स। अब देखते हैं क्या करते हैं। मोस्ट प्रॉबली या तो कुछ बनाना राइड होगी या कुछ बम्पर, पता मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है, सीरियसली मेरे को जज मत करना, नाम नहीं पता। मेरी बहन को पता है क्या क्या नाम है? बम्पर बोर्ड, बनाना बोर्ड और जेट स्की, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, जेट स्की तो पता है मेरे को क्या होता है, बनाना बोर्ड पता है, बम्पर का पता नहीं। अगर मैं पानी में डूब गया, छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। तो बस भैया, डूबेंगे तो नहीं ना, बता दो, नहीं डूबेंगे ना? बस फिर ठीक है, भैया ने बोल दिया, भैया शर्मा रहे थे कैमरे से, पर कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे भैया से। तो चलो बस चलते हैं फिर, और क्या पता मैं शॉर्ट्स लूँ या ना ले पाऊँ, लेट्स सी। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया, हम कौन से बीच पे हैं। वी आर ऑन कैलंगूट बीच, बागा के जस्ट साथ में है ये बीच। एंड ये बागा से थोड़ा सा कम क्राउडेड है, बट ठीक है, मतलब मेरे को कैलंगूट भी अच्छा लगता है। जो कल कैंडोलिम गए थे वो भी अच्छा था, और जिसने ब्लॉग नहीं देखे अभी जाके देख के, अभी नहीं, ब्लॉग खत्म होने के बाद देखना। बस मिलते हैं गाइस, अभी जेट स्की करने जाएंगे, लेट्स सी। पहले शायद मैं जाऊंगा। All the best mom, all the best. चलो भाई, ये पकड़ लेना मम्मा ध्यान से, yes. All the best mom. Amazing mom.
से आगे पूरे at this moment that he knew he fucked up. हमारी फैमिली के साथ स्कैम हो गया, उन्होंने बोट पलटा दी बिल्कुल. आई थिंक ये होता है पार्ट ऑफ प्रोसेस है. सॉरी, आई थिंक ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है कि वो ऐसे आके बनाना बोट को पलटा देते हैं. मम्मा को और मेरी बहन को स्विमिंग नहीं आती तो वो बिल्कुल डर गए थे, तो मैं उनको पकड़ के लेके आ रहा था. मैं बोला चलो कोई बात नहीं. अच्छा एक बात बताओ, इन शॉर्ट सबको मजे तो आए ना? ये ये बेचारी गिर गई थी. ये बेचारी, बट इन शॉर्ट फुल वर्थ इट, मजा आ गया. सो गाइस, वाटर एक्टिविटीज करने के बाद, थोड़ी देर पानी में खेलने के बाद, अपने आप को सुखाने के बाद, अब कुछ भूख लग गई है और खाना खाने चलेंगे. ये मेरे पीछे इस साइड कैलंगूट है और इस साइड बागा है, ये सबको पता ही है. जो आते हैं, जो आ चुका है गोवा उसको पता होगा. एंड अभी हम देखते हैं कहीं खाना खाने जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं ढंग का, और फिर खाना खा के देन सी क्या नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा. सो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं. ये रेस्टोरेंट का नाम है सूजा लोबो, मतलब पता नहीं, मेरे को मतलब नहीं पता, मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं. हाँ तो यस, अब हमको भूख लगी हुई थी तो यही कैलंगूट बीच के जस्ट बैंक ऑपोजिट यहाँ पर है. पूरा कैलंगूट बीच है, समझ रहे हो ना, मतलब कि हाँ बीच के जस्ट ऑपोजिट है. एंड बस अब खाने आए हैं, भूख लग रही है, कुछ खाते हैं, चलो फिर. गाइस एक बार इस जरा रेस्टोरेंट का व्यू देखो, हम यहाँ सारे खा रहे हैं और इस रेस्टोरेंट का व्यू देखो सामने, जस्ट हमारे बैंग ऑपोजिट कैलंगूट बीच है. फुल मज़े, और खाना भी बहुत अच्छा था इसका. अभी नूडल्स मंगवाई थी हमने, लिटरली बहुत अच्छी थी, और कोक मंगवाई थी, सॉरी पेप्सी, वो भी बहुत अच्छी थी. गाइस खाना पीने करने के बाद ना, हम ही कैलंगूट बीच से यहाँ चलते हुए आए और ये अब शॉपिंग करने आ गए हैं. लाइक शॉपिंग इन द सेंस, काजू वाजू लेना या जो भी, मतलब यहाँ की स्पेशलिटी है. यार अब ना शॉपिंग कर करके थक गए हैं, और इनको देख के तो और थकावट हो रही है. ये कहीं भी किसी भी कोने में घुस के बैठ गए हैं. बेटा ये टॉफियाँ टूट गई ना, तुमसे पैसे भरवाएंगे हम. भाई नींद तो मेरे को भी आ रही है यार, ये देखना. अभी तो अभी मैंने जब कैमरा खोला ना तो सीधा हुआ है ये, ऐसे लेटा हुआ था, पसरा हुआ था ये पूरा. या मेरे को पर्सनली ना ऐसी मार्केट्स बहुत पसंद है, है ना, मेरे साथ यही है. मतलब मेरे को ना ऐसे वॉक करने में और ऐसे मतलब विंडो शॉपिंग करने में ना, ऐसी मार्केट में विंडो शॉपिंग करने में मज़ा आता है. गाइस एक गोवा की एक ज्वेलरी मार्केट है टाइप्स ऑफ, काफ़ी बड़ी है ये. तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा, मतलब ये शॉपिंग हब है. तो जिसको ज्वेलरीज एंड ऑल का शौक है, जो मेन कैलंगूट बीच की रोड है वहीं से सीधा आओगे तो आपको ये वाली मार्केट मिल जाएगी. एंड दिस इज एक्चुअल फ्ली मार्केट इन गोवा. 2 hours later. गाइस कल हमने अपना ये रूम का कार्ड घुमा दिया था और हमने एक्सचेंज करवा लिया, आज यही वाला कार्ड हमें गाड़ी में मिल गया. लेट्स सी ये खुलता है कि नहीं खुलता इससे. देखना सबका खुल गया, हमने क्या बिगाड़ा था. एक्सक्यूज मी, कार्ड इज इन वर्किंग. सच नहीं बताएंगे ना कि हमारा कार्ड खो गया था, और ये दूसरा कार्ड है किसी को बता रहे हैं. तो कोई बात नहीं, अगर ये खुल गया तो फिर अब उनको बोल देंगे कि ये कार्ड खुल गया. तो समझ रहे हो ना, रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, सबको स्कैम तो बताना है ना अपना. और जो भी यार मजा आया ना, बहुत मजा आया ना. अच्छा गाइस डूब के देखो, मेरा रूम खुल गया, मैं जा रही हूं, मैं भी आ रही हूं, मेरे कपड़े हैं उस रूम में. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾ, ਐਸੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹਮਾਰਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਗਿਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਹਮ ਬਾਹਰ. ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਰੂਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.
अरे बट एक मिनट, ये नहीं पता ना ये कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। हम आए हैं, ये टीवी चल रहा था। हाँ कौन देख रहा था पीछे बैठ के? क्या रूम सर्विस वाला बैठ के क्या मैच देख रहा था हमारे रूम में है? वैसे रूम तो इन्होंने अच्छा कर दिया। यार देखना मेरी शर्ट प्रेस है बिल्कुल। नहीं रूम सर्विस तो अच्छी। ओह सॉरी यार। चलो यार अब कपड़े चेंज करते हैं। बिल्कुल गीले 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 कपड़े हैं। मैं चलो ओके बाय। अब शाम हो गई है। एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हमने वेगेटो बीच जाना था, सनसेट देखना था, बट वो हुआ नहीं जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा लेट हो गए थे और सनसेट का टाइम भी जा चुका था। तो हमने बोला छोड़ो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं करना, आराम से इंजॉय करने आए हैं। यार एक प्रो टिप बताता हूँ, कहीं पे भी जाओ ना ऐसे भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहले आराम रखो, क्योंकि वेकेशन डजंट मीन कि आप सारी चीज़ें देखने जा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक आप थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हो अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, हर चीज़ को। एंड बस अब कुछ नहीं, अब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम खाने पीने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे हम कल रात को गए थे। और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है फिर से बोल रहा हूँ, जाके पिछले वाली वीडियो भी देखना। तो बस चलते हैं गाइज। आज तो फिर से सेम टेबल ही मिल गई हमको। तो बस यार सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हम जगह आए हों और वापस उसी जगह पे वो आए हों खाने पीने, जस्ट बिकॉज हमें एंथनी बहुत अच्छा लगा। आई मीन आप आओ कभी गोवा, बागा बीच के जस्ट पास है ये, मतलब बागा बीच पे ही बना हुआ है एंथनीज और ब्रिटोज। तूने आज भी पीछा नहीं छोड़ा ना मेरा, कल भी आया हुआ था यहीं, आज भी आ गया है। चलो बढ़िया, हेंस प्रूव्ड तुम लोग डॉग लवर को सेंस कर लेते हो। गाइस अभी पता क्या हुआ, हमने मंगवाई थी बिरयानी, वेज बिरयानी, और वेज बिरयानी की जगह उन्होंने दे दिया हमें चिकन बिरयानी। मैं खा रहा था एक्चुअली, एंड मैंने खाते खाते वो पीस को मैंने खाया, कट किया, सोया चंक्स मेरे को लगा, बट वो सोया चंक्स नहीं थे, वो चिकन था। एंड तो बस अब हमने थोड़ा सा उनको फायर किया है एंड दे आर ब्रिंगिंग अस 4 वेज बिरयानी। तो चलो फिर खाते हैं और कॉशियस होके खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाय बाय। बाय कार्स, वी हैड अ ग्रेट जर्नी और बहुत मजा आया गोवा में। हम रात को सो जाएंगे और सुबह 9:30 बजे गाड़ियाँ चली जाएंगी। तो इससे पहले कि जाएं हम बाय कर रहे हैं, हम थोड़े हिले हुए हैं, पागल हैं हम, बट कोई बात नहीं। बाय बाय। अब रूम में आ गए हैं एंड पूरा नाच गाना करने के बाद एंथनीज में थकावट तो होनी ही होगी ना। तो बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्टे पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव, पीस आउट गाइस।